सबसे बड़ी चीज आती है शहीद भगत सिंह। भगत सिंह को मैं कितना मानता हूँ आप लोगों को दिखा दूं, मेरी छाती को जो छप रहे हो भगत सिंह है, मेरी छाती को जो छप रहे हो भगत सिंह है, मेरे लिए मेरी माँ से मेरे बाप से बढ़कर भगत सिंह है, जिसको मैंने पढ़ा है और जिसको पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों ने इस भगत सिंह से क्या सीखा है, ये सवाल मेरा सबसे रहेगा, लेकिन ये बाद में पूछूंगा, पहले आप लोगों को बताता हूं शहीद आजम भगत सिंह कौन था। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उसके उसके जीवन के आखिरी 12 घंटे बताऊंगा। जो उसके जीवन के आखिरी 12 घंटे थे वो उस इंसान ने कैसे बिताए थे। 23 मार्च का दिन था 1931 में, हम गुलाम थे और उस दिन रात को जोरदार आंधी आई थी। जब जोरदार आंधी आई सवेरा निकला, सवेरा निकलने के बाद ठंडा मौसम था, जो मौसम हाल फिलहाल का है, जैसे आप लोग बैठे हुए हो सब लाहौर जेल के बाहर, ऐसे ही लाखों आदमी इकट्ठे हो रखे थे उस भगत सिंह के लिए, राजगुरु के लिए, सुखदेव के लिए। वे तीनों शेर जेल के अंदर, ये लगा लो जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये लाहौर की जेल है और जहां आप लोग बैठे हुए हो आप सब जेल के बाहर हो। अब वो दिन बताता हूं आप लोगों की, रोम रोम तर्राएगा अगर आप बातें सुनोगे। उस दिन जेल का वार्डन शरद सिंह आता है शाम के 4 बजे और सबके गेट बंद करते हुए, सबके दरवाजे बंद करते हुए कहता है जल्दी से सब अंदर हो जाओ, ऊपर से आदेश है। उसी जेल की 14 नंबर कोठड़ी में शहीद आजम भगत सिंह, जिसकी जो जेल की जो कोठड़ी थी 6x8 की, 6 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी, उसके नीचे कच्ची हरी हरी घास उग रही, उसके अंदर शहीद आजम भगत सिंह जिसका कद 5 फुट 11 इंच, जिसकी कमर का साइज 27, जिसकी छाती का साइज 32, जिसके पैर में जूता आता था 7 से 8 नंबर का। आप लोग सोचते हो भगत सिंह कोई भीम था, ताकतवर था, ऐसा नहीं है, अंदाजा लगा लो वो कैसा हो। जिस वक्त उसकी फांसी का टाइम था उस वक्त उसका वजन था 62 किलो और जिस वक्त वो जेल के अंदर गया उस वक्त उसका वजन था 57 किलो। अब गौर करने की बात सुनना, भगत सिंह कौन था, भगत सिंह की क्या विचारधारा थी। जब शरद सिंह उस गेटों को बंद करते हुए आता है उसके बाद आता है बरकत नाई, जो जेल का नाई था, जोर जोर से आवाजें निकालते हुए रोते हुए, ओए मेरे भगते को मार देंगे आज, ये गोरे लोग मेरे भगते को मार देंगे आज। सबको पता लग गया कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। इतनी देर में सरदार जी का वकील आ जाता है प्राणनाथ मेहता, वो भगत सिंह को कहता है सरदार जी आपको फांसी होनी थी कल सुबह 6 बजे, लेकिन ये लोग आपको आज ही फांसी देना चाह रहे हैं, ये इतने भयभीत हो गए हैं, इतने डर गए हैं। भगत सिंह बोला मेरे को फांसी की चिंता नहीं है, मैंने एक किताब मंगाई थी वो किताब लेके आए। प्राणनाथ मेहता ने वो किताब निकाल के दे दी, जिसका अंतिम समय चंद घंटों के बाद उसके सामने खड़ा है वो इंसान आराम से शेर की तरह किताबें पढ़ रहा है, वो इंसान आराम से किताबें पढ़ रहा है। प्राणनाथ मेहता, उसका वकील बोला देश के लिए कुछ कहना चाहते हो आखिरी शब्द। भगत सिंह जी ने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इससे अलग मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये बात होने के बाद प्राणनाथ मेहता ने देखा एक छोटा बच्चा, आज भी इसके अंदर इतना जोश इतना लीडर, और जेल के बाहर इतने आदमी खड़े थे, अगर एक आदमी जेल की एक ईंट उठाता ना उस जेल को तोड़ के रख देते, लेकिन हम गुलाम थे, हमारे पैरों में जंजीरें थी,
उस जेल के बाहर ही खड़ा हुआ एक इंसान विलाप कर रहा था जिसका नाम था वो गा जो वाल्मीकि जाति से था, वो गा वाल्मीकि। आप लोग आजकल जातिवादों में अपनी ऐसी तैसी कराते हो, आपस में लड़ते हो, आपस में भेदभाव करते हो। भगत सिंह का आखिरी सपना था उस गोगे को, मैं बता देता हूं गोगा कौन था। वो जेल की सफाई कराया करता, जेल का भगत सिंह का मलमूत्र उठाया करता और भगत सिंह प्यार से उस गोगे को बेबे कहा करता। पंजाबी भाषा में बेबे माँ को कहते हैं, उसको माँ कहा करता। जेल के और आदमी बोले, अरे वाल्मीकि जाति के इंसान को तू बेबे कह रहा है, माँ बना रहा अपनी, किस लिए? भगत सिंह बोला, मूर्खो जब मैं पैदा हुआ मैं छोटा था, मेरा मलमूत्र या तो मेरी माँ ने उठाया था और आज या मेरी ये माँ उठा ली, मेरे लिए ये मेरी माँ ही है। भगत सिंह ने बोगे से कहा, बोगे तेरे हाथ की रोटी और खाना था हूँ बेबे, अपने हाथ की रोटी खिला दे मेरे लिए। वो बोला, सरदार जी आप ऊंच जाति के हो, मैं एक छोटा सा इंसान, आपको रोटी खिला दूंगा लोग मेरे को मार देंगे। भगत सिंह बोला, मैं हूं ना खाने वाला, मैं हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? बोग अपने घर से रोटी बना के लाता अपने हाथों से, और बोगा तूप तोड़ के एक निवाला भगत सिंह के जैसे ही मुंह में देता है। बोगे की आंखों से आंसू निकला है, बोला, अरे भगते तू किस मिट्टी का बिना हुआ है, तू किस मिट्टी का बिना हुआ है? लोग आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं और तू इतना प्यार कर रहा है सबसे। वही बोगा जेल के बाहर खड़ा था, भगत सिंह की आखिरी ख्वाहिश थी एक बारी उसके हाथ की रोटियां खाऊं। वो बाहर चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो गया, जेल के अंदर उसको भी नहीं घुसने दिया। जब भगत सिंह और को अंग्रेज आए, वो टीम आई, फांसी के लिए लेके चल दिए। फांसी के लिए जब लेके गए, तीनों से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा? गाली देते हुए बोला शहीद आजम सरदार, अबे कुत्तो आखिरी इच्छा यही है इस देश को छोड़ के चले जाओ। पहली इच्छा भी यही थी इस देश को छोड़ के चले जाओ। हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे बस की नहीं, अपनी फांसी की तैयारी करो। 7:28 पे उन योद्धाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है, 7:33 पे उनकी फांसी पूरी होती है। उस 5 मिनट के दौरान जब ये पूछा गया, तुम्हारे में से सबसे पहले फांसी के फंदे को कौन चूमना चाहेगा, एक ऐसा पागल था जिसका नाम था सुखदेव, उसका कहना था मैं देश के लिए एक बार मरना चाहता हूँ। सुखदेव ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले फांसी के फंदे को मैं चूमूंगा, पहले सुखदेव का नंबर, फिर भगत सिंह का, फिर राजगुरु का। बाहर उसकी माताजी खड़ी थी, उसकी माताजी ने कहा था, बेटा जिस फांसी के फंदे को तू अपनी दुल्हन कहता है, जब वो तेरे गले में डल रहा है, तेरी आवाज मेरे कानों तक सुनाई देनी चाहिए। ये बताया जाता है उस वक्त भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया था, बाहर खड़े 1-1 लाख आदमियों को साफ सुनाई दिया था, उनको मृत घोषित करके हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके टुकड़े टुकड़े करके सोचा, इनको जेल के अंदर चलाओगे, बाहर पब्लिक को पता लग जाएगा। बाहर से ट्रक मंगा लिया, ट्रक मंगा कर उसके अंदर बोरियों में बांध के उन लाशों को बदनी जी के साथ बनाया गया और पिछली जेल की दीवार तोड़ के वहां से निकाल के ले गए सतलुज के किनारे। सतलुज के किनारे जब लेके गए, वहां के गांव जाग गए और उन अंग्रेजा पर हमला बोल दिया। आधी कच्ची जो लाश थी उसको वहां से वापस निकाल दिया, जिनका पूरा शरीर जला नहीं था, अंतिम संस्कार हुआ नहीं था, उसको निकाल के अगले दिन की जब सुबह होती है, सबको पता लग जाता है हमारे बीच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं रहे। वो लाखों आदमी उनके अंतिम संस्कार में काले कपड़े पहन के, काली पट्टी हाथा को बांध गए, काले झंडे हाथा में लेकर उन तीनों की लाशों को लेके, उन तीनों की लाशों को सोच के देखो, एक अधजली लाश को
तीनों लाशों को भगत सिंह की माँ के पास था। भगत सिंह की माँ जिसको अपनी गोदी में ले रही है, भगत सिंह का पिताजी सरदार किशन सिंह उन तीनों बेटों को अपनी गोदी में उठाए हुए हैं। वो मंजर कैसा होगा, उसको लेके अंतिम संस्कार के लिए जब जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार हिंदी हिंदू और सिख दोनों रीति रिवाजों के द्वारा किया जाता है वहां पे। लेकिन सबसे पहले जो नबज पढ़ता है, नबज पढ़ने का काम किया वो मौलवी ने किया, उसके बाद ब्राह्मण ने उनके अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम किया। और एक आज का समय है जो हमें एक करने के लिए इस देश को छोड़ के चले गए, जिनकी लाशों का बदला आज तक नहीं लिया गया, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, आज तक उनका कहीं जिक्र नहीं होता, आज तक कोई भी पार्टी उनके विचारों पे नहीं चल पाई। उनके सबसे पहले विचार थे हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, कोई भी सरकार आए आप लोगों को हिंदू मुसलमान जातिवाद में बांट के धर्मवाद में बांट के लड़ाती रहेगी, आप लोगों का फायदा उठाती रहेगी। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ, आज इस वक्त लिम्पी नाम की बीमारी चली हुई है, सबको पता होगा हमारी गौ माता है कैसे तड़प तड़प के मर रही है। भाजपा सरकार कोई पार्टी वाला बैठा हो भाई बुरा मत मानना, बात को समझना और सुनना, भाजपा सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ने आई उन्हें कहा था गौ माता की रक्षा हम करेंगे, उनने करी भी गौ माता की रक्षा, कैसे करी, भारत 20वें नंबर पर था गाय का मीट बेचण में जिसको बीफ कहते हैं, आज भारत 3रे नंबर पर है, या रक्षा करी, जितनी गाय पहले कटती थी उससे 3 गुना बढ़ गई। आज लिम्पी नाम की जब बीमारी आती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा बाहर से जीते लाता है, मैं पूछ रहा था तुम कहा अपने बाप की साथी में लेके जाएगा उनको, क्या कमाएंगे वे, उनके पास इस बात का कोई जवाब है, क्या काम आएंगे उनके लिए वे। हर जगह बस उनको एक ही काम है, इस लोगों को आपस में लड़ा दो भिड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, उसको उसका दुश्मन बना दो और तुम राज करते रहो। जो काम अंग्रेज करते थे आप लोगों को लड़ा के, वही काम आज हो रहा है। हम आज कौन सा आजाद है, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को आजाद मानते हो, देश को आजादी 47 में मिली थी 1947 में, उसके पूरे 4 साल बाद 1951 में शहीद चंद्रशेखर की माताजी की मृत्यु हुई थी, देहांत हो गया था। चंद्रशेखर की माँ, नाम देखो कितना बड़ा, देश का क्रांतिकारी योद्धा, उसकी माताजी की मूर्ति तक नहीं लग रही थी आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों के प्रधानमंत्री ने, पता है क्यों, इसलिए अगर इसकी मूर्ति लगी, लगने के बाद इनकी क्रांतिकारी विचारधारा फिर ऊपर आ जाएगी। आप लोगों को नहीं पता हो भगत सिंह चंद्रशेखर जब हमारे बीच नहीं रहे, उनके 50,000 साथी अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ के बुरी तरह तड़पा तड़पा के मारे, वही अनाथाज हो रखे हैं। जब आप लोगों के पास में आपका कोई साथी तड़पता है, आपकी गौ माता बुरे दौर से जूझ रही है, कहां चले गए भाई आज वे गौ रक्षक, वे गौ रक्षक जो पार्टियों में उनकी बातें कर रहा हूं मैं, इनकी नहीं, ये जो सदैव अपना कार्य करते आए जो आज भी संभाल गए, मैं हरेक पार्टी की बातें कर रहा हूं, कहां है वे पार्टियां, कहां है उन पार्टियों के MP MLA, सिर्फ क्या उनको राजनीति करने के लिए और वोट मांगने के लिए गायें याद आती है, कोई मुद्दा बनाना हो भाई भाई से लगाना हो तभी गौ माता को उठा लाएंगे। हर टीवी चैनल पे 3 दिन से ये चल रही है खबर, आज चीते ने इतना भागा, आज चीते ने इतना भागा, आज चीता इतना दौड़ा, क्या काम आएगा वो चीता, अगर वो काम आने के लिए लाए होते काम करो, उसको संसद के अंदर ही छोड़ दो, सारे जितने निकम्मे नेता होंगे सबको खा जाएगा। यार कोई काम होता है देश के लिए, देश को डुगडुगी समझ रहे क्या, कोई भी आओ बचाओ और चले जाओ, हमारा इंसानियत के नाते धर्म बनता है। आज हमारी गौ माता खतरे में है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम सबका
जो अपने आप को हिंदू कहता है, सच्चा हिंदू, उसका फर्ज बढ़ता है, गौ माता से बड़ा उसके लिए कोई फर्ज नहीं। सबसे पहले अपनी गौ माता को बचाएं। आपके घर में 100 रुपए हो, 200 रुपए, 500 रुपए हो, इतने रुपए में आप लोग गरीब नहीं होते। कोई 300 रुपए की दाढ़ी भी करता है ना, अगर एक दिन की अपनी दाढ़ी दे देगा वो गरीब नहीं होता। आप मंदिरों में भी तो दान देते हो, मस्जिदों में भी तो दान देते हो, गुरुद्वारे में भी तो दान देते हो। आज हमारी गौ माता दान मांग रही है, हमारा हक बनता है हम उस गौ माता को दान दें। और सबसे पहले भाई कमेटी वालों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला दान 5100 रुपए का अपनी जेब से मैं दे रहा हूँ। कोई भी आके स्वीकार कर ले, मेरे मुख से कोई गलत बात भी मिली हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और पास की गौशाला से शायद कमेटी आई है, पारी गांव से कमेटी आई है भाई, 5100 रुपए इस गांव को और 5100 रुपए उस गांव वालों को दे रहा हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपके बीच तो मैं कोई नेता मंत्री तो हूँ नहीं, जैसा मेरा जुगाड़ है वैसे आपके चरणों में ये अरदास है, इसको आप प्राप्त करें। और मेरे मुंह से कोई गलत शब्द, कोई गलत बात निकल गई हो, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझ के माफ कर दे। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बारी नारा लगाएंगे इंकलाब का और गौ माता का, तैयार हो? बोलो।